और एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले राजेश्वर सिंह। ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर ने की शिष्टाचार भेंट। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से हैं बीजेपी प्रत्याशी, तो बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद शिष्टाचार भेंट की है ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक शिष्टाचार भेंट की गई। आपको बताते चलें कि लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह। हालांकि बीजेपी की ओर से जो सिटिंग एमएलए हैं उनको रिप्लेस करके, उनको हटा के राजेश्वर सिंह को टिकट दी गई है इस बार सरोजनी नगर सीट से। और ऐसे में उनकी शिष्टाचार भेंट सीएम योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीत का मूल मंत्र जहां एक तरफ पीएम मोदी देते नजर आते हैं, तो वहीं राज्य में किस तरह से मजबूत होना है इसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उम्मीदों से चर्चा करते नजर आते हैं, उम्मीदवारों से, प्रत्याशियों से। और साथ ही वो गाइडलाइंस जो है समझाया जाता है कि किस तरह से इस बार के चुनाव में वो अपने आप को, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार अपने आप को मजबूत कर सकते हैं जनता के बीच। विकास कार्य को लेकर जनता के बीच सभी तमाम उम्मीदवार जा रहे हैं और साथ ही अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ के सरोजनी नगर सीट की, तो बीजेपी की ओर से राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। राजेश्वर सिंह ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और उनके शिष्टाचार मुलाकात भी सीएम योगी आदित्यनाथ से।